subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका आज के मुख्य डिफेंस न्यूज में। और आज के पहले डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं HAL द्वारा निर्मित इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर के बारे में, IJT के बारे में। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, ये जेट ट्रेनर जिसको स्पेशली डेवलप किया जा रहा था IAF के एजिंग किरण जेट ट्रेनर को रिप्लेस करने के लिए, और इसका डेवलपमेंट सन 2000 में शुरू कर दिया गया था, और उसके 3 साल बाद ही इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली फ्लाइट ली थी। उसके बावजूद भी इसको अपने इंडक्शन में तकरीबन 16 साल लग गए हैं, और इस एयरक्राफ्ट का अब तक कोई भी स्टेटस नहीं था कि ये किस स्टेज पे है और इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है। जबकि 2007 के एयर इंडिया शो में जब इसे उड़ाया गया था तो इसके मनूवरिंग को लेके काफी प्रॉब्लम्स देखी गई थी, और उस दौरान इसने अपने मनूवरिंग कैपेबिलिटी को प्रूव नहीं किया था, और तब ये बातें सामने आई थी कि इसे उसके बाद कई स्पिनिंग टेस्ट में फेल कर दिया गया था। ये एयरक्राफ्ट उतना स्पिन नहीं कर पा रहा था, जो कि एक क्रिटिकल कंडीशन है किसी भी नए पायलट को सीखने के लिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट नए और इनएक्सपीरियंस पायलट को एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो स्पिनिंग और मैनूवरिंग कंडीशंस को जान पाए, और ये दोनों ही पैरामीटर इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए परफॉर्म करने मुश्किल हो रहे थे। लेकिन अब हेल से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसके डिजाइन में कुछ गड़बड़ी थी, उसके बाद हेल ने इसके डिजाइन में चेंज किए हैं, और इसके डिजाइन में चेंज होने की वजह से अब ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट अपने स्पिनिंग कैपेबिलिटी को प्रूव करने में सक्षम है, और अब तक इसका जो डिजाइन था वो ही सबसे प्रॉब्लमेटिक बताया जा रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज की दूसरी डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं डायनेमिक टेक्नोलॉजी द्वारा तेजस के लिए बनाए गए मेन फ्यूसलाज के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये खबर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जहाँ पे डायनेमिक्स टेक्नोलॉजी ने मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत TS का जो मेन फ्यूसलाज है उसे मैन्युफैक्चर किया है और उसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है हेल के साथ मिलके। तो जैसा कि आप सबको बता दूं, ये डायनेमिक टेक्नोलॉजी इंडिया में सबसे बड़ी हाइड्रोलिक गियर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, और आप यूं कह सकते हो कि एशिया में इसे वन ऑफ द बिगेस्ट हाइड्रोलिक गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका पिछले कुछ सालों में इंडिया के एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में काफी बड़ा हाथ रहा है। और यही डायनेमिक टेक्नोलॉजी इंडिया के फ्यूचरिस्टिक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एमका में भी पार्टिसिपेट करने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज के तीसरे डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं राफेल मरीन वर्जन और इंडिया के MiG-29A के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, इंडियन नेवी अपने नेवी एयरक्राफ्ट के रूप में MiG-29 को ऑपरेट करती है INS विक्रमादित्य से, वहीं पे फ्रेंच नेवी अपने कैरियर FNS चार्ली से राफेल M को ऑपरेट करती है, और ये दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं अपकमिंग वरुण एक्सरसाइज में, जो कि गोवा के कार्वर से May 1st को स्टार्ट हो रहा है। और इस एक्सरसाइज में ऐसा बताया जा रहा है कि जो मेन कंपटीशन होगा वो MiG-29K और राफेल M के बीच में होगा, कि ये दोनों किस तरह से अपने अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और यहीं से एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि राफेल M को नेवी के लिए सेलेक्ट करना कितना उचित होगा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस पे भी इंडियन नेवी ध्यान देगी। वैसे तो इस वरुण एक्सरसाइज में बहुत सारे नेवी शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि डिस्ट्रॉयर्स, अटैक सबमरीन, फ्रिगेट्स। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे नेवी शिप्स हैं जो दोनों तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी के PATI, जो कि एक सबमरीन किलर के रूप में देखा जाता है, उसके भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, उसके लिए भी प्रैक्टिस की जाएंगी। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, अभी हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक सबसे बड़ा एक्सरसाइज कंक्लूड किया है, जिसका नाम ऑजिंडेक्स था। तो आज के मुख्य डिफेंस न्यूज में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि बस लाइक, सब्सक्राइब, जॉइन।